हेलो गाइस, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को अच्छी खासी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं सुमेश शर्मा आपका एक बार फिर से सुबह डिटेल में स्वागत करता हूँ। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम namecheap.com का यूज करके एक डोमेन बाइक कर सकते हैं, उस पर नेम सर्वर सेट कर सकते हैं और इसके साथ ही वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट नॉलेज आपको मिलने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए। चलिए हम सबसे पहले अपना नेमचीप अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अगर आपने भी उसका अकाउंट बना रखा है तो आप उसको ओपन कर लीजिए, अदरवाइज नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। हमारा ये कंपनी का अकाउंट है, चलिए मैं इसको ओपन करके लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर डोमेन का आपको सेक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर डोमेन नेम सर्च नेम हम चले जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये देखिए डोमेन वाला ये पेज रिडायरेक्ट होकर के आ चुका है। और अभी हमको जो डोमेन बाय करना है तो उसको मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। मुझे ये डोमेन चाहिए अपने एक न्यू वेबसाइट के लिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस जैसे ही आप डोमेन न्यू सर्च पर क्लिक करोगे तो इस पेज पर आपको आ जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वो डोमेन इंटर कर देना है जिसको आपको परचेज करना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर डोमेन कॉपी कर लिया है और मैं चलिए अब इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, चेक कर लेता हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं। वैसे मैं चेक करके यहाँ पर रखा हूँ पहले से ही। मुझे .com चाहिए तो मैं सीधे यहाँ पर .com लगा दे रहा हूँ। आपको जो भी चाहिए आप वहाँ पर ये फिल कर दीजिए, देने के बाद सर्च कर लीजिए। ओके, जैसे आप सर्च कर लोगे तो आपको भी बता देगा कि डोमेन अवेलेबल है या फिर नहीं। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर ये लोड हो रहा है और नेमचीप काफ़ी अच्छी होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप चाहो तो होस्टिंग भी इसकी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर अवेलेबल है, इस बार सीधे हमको इसको ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देना है अगर हमको बाय करना है। तो चलिए हो गया है, चलिए मैं आपका व्यू आइटम क्लिक कर लेता हूँ। देन आपको देखिए यहाँ पर ये है, ये इसका जो डोमेन का प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है 662 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए मेरे को जो अकाउंट पे पर चलते हैं उसको पे कर देते हैं। हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का अकाउंट है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ फंड है पहले से ही ऐड रहता है, तो इसलिए हमको यहाँ पर कोई डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सीधे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रहा है कि डोमेन रजिस्ट्रेशन है 1 ईयर के लिए, ये जो हमारा डोमेन है हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, डोमेन प्राइवेसी में को दे रहा है इनेबल है। उसके बाद सीधे हमको यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, प्रोमो कोड होते हैं यहाँ पर अप्लाई कर देना है। फिलहाल हमारे पास प्रोमो कोड नहीं है जिससे हम इसको छोड़ देते हैं, तो सीधे हम यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो आपकी डोमेन जो भी बाय हो जाएगी। हमारा यहाँ पर से पहले से फंड ऐड है, इसलिए हमारा थोड़ा सा ईजी प्रोसेस हो चुका है। आपका अगर फंड ऐड नहीं है तो आपके सामने फंड ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको वहाँ पर से सीधे जाना है और पेमेंट कर देनी है। उसके बाद आपका जो डोमेन है वो बाय हो जाएगा। उसके बाद अभी चलिए एक बार ये कन्फर्म हो जाए इसका हमारी पेमेंट, उसके बाद मैं चलता हूँ सीधे आपको इस पर नेम सर्वर सेट करके दिखा देता हूँ और इसके बाद वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो मैं गाइस फिलहाल देखिए हमारा जो पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर सब कुछ पेमेंट ऐड हो चुकी है। अभी हमारा लास्ट ऑप्शन जो है पे नाउ का यहाँ पर है, इसको हम जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो कन्फर्म हो जाएगा सीधे। और इसके बाद हमको जब हमारा डोमेन बाय हो जाएगा तो हमको यहाँ पर इसमें नेम सर्वर सेट करने पड़ेंगे। तो आपको नेम सर्वर के लिए सीधे यहाँ पर जाना है और नेमचीप नेम सर्वर सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ नया पेज ओपन होकर आ जाएगा ये वाला, तो सीधे आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे आप नीचे करोगे तो यहाँ पर ऐसे जो कस्टम नेम सर्वर्स हैं वो अभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए होस्टिंग के नेम सर्वर्स हैं, इनको ही हमको यूज में करना है। फिलहाल देखिए हमारे जो डोमेन की पेमेंट है वो कंफर्म यहाँ पर होने ही वाली है। आप भी अपना पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपके सामने भी ऐसा एक पेज ओपन होकर के अभी आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमको इसको डोमेन का जो बाकी काम है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, नेम सर्वर ऐड करना है, वो बाकी हम अभी आपको करके भी दिखाएंगे। ये देखिए फिलहाल हमारा यहाँ पर थैंक यू फॉर परचेज यानी कि हमारा जो डोमेन है वो बाई हो चुका है। अभी सिंपल से हमको यहाँ पर सीधे मैनेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज पर क्लिक कर दोगे तो ये आपको इसका जो डोमेन लिस्ट वाला पेज है वहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप नीचे आओगे तो फिलहाल ये वाला जो हमारा डोमेन है जिसको हमने बाय किया है इसमें रिडायरेक्ट कर दिया है सीधे। और अगर आपको उसका नेम सर्वर ऐड करना है तो सीधे यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेम चिप बेसिक DNS अभी सिलेक्ट है, हमको यहाँ पर कस्टम DNS सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से हमको सीधे सीधे जो DNS है इनको कॉपी कर लेना है और देख करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ सीधे ऐसा आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर नेम सर्वर 1 पे कर देंगे, इसके बाद हम नेम सर्वर 2 कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपका जो डोमेन है वो होस्टिंग से कनेक्ट हो पाएगा, तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद सीधे आप यहाँ पर जाइए, उसके बाद यहाँ पर ये सही का निशान है इस पर आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे जो नेम सर्वर है वो भी ऐड हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं सीधे, हमको इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक पर्टिकुलर इसको एक होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने पड़ेगी। तो पहले हम अपनी इस डोमेन को कॉपी करके अलग रख लेते हैं, उसके बाद हम आपको भी ऐसे अपने डोमेन को कॉपी कर लेना है और मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है। अभी सीधे हम चलेंगे अपनी होस्टिंग्स में। हमने यहाँ पर कई सारी होस्टिंग बाय करी हुई हैं,
अगर आपने एक होस्टिंग बाई की है तो आप सीधे उसी होस्टिंग के सी पैनल पर जाकर के भी करेंगे। तो फिलहाल देखिए हमारा ये नीचे वाली होस्टिंग हमको इसको यूज़ करना है यहाँ पर, तो हम सीधे से इस पर क्लिक कर देंगे, सी पैनल पर चले जाएंगे। तो सी पैनल में जाने के बाद अभी हमको दो काम करने हैं। पहला हमको इसमें एडान डोमेन ऐड करना है, इसके बाद हम सीधे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे। तो देखिए फिलहाल इसका सी पैनल ओपन होकर के आ गया है, अभी हम चलते हैं सीधे से इसमें एडान डोमेन में इसके ऐड कर देते हैं। तो फिलहाल पूरा लोड हो जाने दीजिए सी पैनल, क्योंकि इसमें थोड़ा लोड रहता है तो थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा और हमारा नेट भी शायद थोड़ा स्लो है। ओके तो गाइस फिलहाल अभी हमारा जो सी पैनल वो ओपन हो चुका है, अभी चलिए हम सीधे एडान डोमेन ऐड कर लेते हैं। तो एडान डोमेन करने के लिए आपको सीधे नीचे यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको एडान डोमेन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको सीधे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो अभी एडान डोमेन का ऑप्शन आपके पास सीधे से आ जाएगा और जिस डोमेन को आपको ने परचेज किया है सीधे उसके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ओके जैसे मैंने किया ऐसे पेस्ट करना है, देखिए बाद इसमें ऐड डोमेन पर आपको क्लिक कर देना है तो हमारे जो एडान डोमेन है वो भी क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर सीधे। फिर इसके बाद हमको सीधे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना है, बाकी हमारा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो गाइस फिलहाल देख सकते हो अभी आप हमारे जो एडान डोमेन्स है वो भी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम सीधे फिर से एक बार सी पैनल में चलेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पर जो 9 डॉट दिए हुए इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करो तो फिर से आपको सी पैनल में यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद सीधे हमको नीचे यहाँ पर आ जाना है और नीचे जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो आप लास्ट में यहाँ पर हमको वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सीधे हम यहाँ पर वर्डप्रेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जूम लोग अभी अगर आप वो करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की बात की थी तो हम यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर चलिए अभी हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होने के लिए आ चुका है, अभी फिलहाल हमको सीधे यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपके इस होस्टिंग के साथ में जितने भी डोमेन अटैच हैं वो यहाँ पर रजिस्टर आ चुकी है। आपने अगर एक यूज किया होगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आएगा, अदरवाइज हमने यहाँ पर बहुत सारे अपने होस्टिंग में कनेक्ट करके रखे हैं डोमेन, तो इसलिए यहाँ पर ये दिख रहा है। तो फिलहाल जो हमने अभी बाय किया है वो है ग्रेट टीवी शॉप, तो हमको इसे सेलेक्ट कर लेना है सीधे, ठीक है। आपने जो भी बाय किया उसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन आपको सीधे नीचे जाना है और यहाँ पर एडमिन यूजर नेम का ऑप्शन आ रहा है और एडमिन पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो पासवर्ड हम एक अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वर्डप्रेस को सीधा इंस्टॉल कर देंगे। पासवर्ड आप भी अपना एक अच्छा सा क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। हमारा जो वर्ड पासवर्ड है वो भी क्रिएट हो चुका है फिलहाल यहाँ पर, तो चलिए अभी मैं सीधे से इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। वर्डप्रेस नीचे आना है आपको, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सीधे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दो तो देखिए हमारा जो वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल होने लगा है, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो फिलहाल यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और आपको इसके डब्ल्यू पी एडमिन यानी डैशबोर्ड में जाना है, तो सीधे आप ऐसे करोगे राइट क्लिक कर देना, आपको सीधे जाना है ऐसे, तो यहाँ पर आपको उसने सीधे रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पर योर कनेक्शन इज प्राइवेट दिखा रहा है, तो इसका मतलब सीधे बात ये है कि हमारा जो कनेक्शन वो प्राइवेट नहीं है, मतलब कि हमने जो भी अटैच किया है अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ में, तो अभी हमारा SSL एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसीलिए अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। तो हमको ये सीधे से आधा एक घंटा वेट कर लेना है, उसके बाद सीधे अगर आप इसको ओपन करोगे तो देन आपका डेफिनेटली अच्छे से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको सीधे अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर देना है, उसके बाद आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर चले जाओगे। तो आज की वीडियो में हमको यही बताना था, हमने यहाँ पर आपको डोमेन बाय करना भी बता दिया है, एडान डोमेन कैसे ऐड करना भी बता दिया है, नेम सर्वर ऐड करना बता दिया है और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी बता दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिप्लाई करके देख लीजिए, सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज मिलते हैं इसके साथ वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.